हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदू नव वर्ष को लेकर विशाल पथ संचलन का आयोजन, जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ हुआ स्वागत। स्वरूपगंज स्थानीय कस्बे में रविवार को हिंदू नव वर्ष को लेकर स्वरूपगंज व रोहिड़ा खंड की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विशाल पथ संचलन निकाला गया, जो कस्बे के मुख्य मार्ग होकर निकाला गया। पथ संचलन का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। संघ चालक प्रखंड हिंदू राम ढाबे के अनुसार कस्बे में रविवार को स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर से पथ संचलन निकाला गया, जो झंडा गली, होली चौक, मस्जिद गली, टेलीफोन एक्सचेंज गली, रेलवे स्टेशन रोड, पुराना बस स्टैंड रोड, फाटकाबा, सुभाष सर्कल होते हुए मेघवाल वास, जागृति चौक, रेबारी वास, कुम्हार मोहल्ला, सुभाष सर्कल, गरबा चौक व सदर बाजार होते हुए पुनः आदर्श विद्या मंदिर पहुंचा। पथ संचलन में स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता काली टोपी, खाकी निकर पहन कर पूर्ण गणवेश के साथ स्वयं सेवक संघ के एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए मुख्य मार्गों से निकले तो हर कोई उनके स्वागत में आतुर नजर आया। पथ संचलन के माध्यम से स्वयं सेवकों ने लोगों को राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित होने का आह्वान किया। पथ संचलन को लेकर रविवार को पथ संचलन आरंभ होने से पहले ही निर्धारित मार्गों पर बड़ी संख्या में लोग हाथ में पुष्प लिए खड़े थे। पथ संचलन से पूर्व आदर्श विद्या मंदिर में बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बौद्धिक प्रमुख जालौर विभाग तेज करण ने कहा कि संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू समाज ही है। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार के बाल मन में गुलामी के काल में देश की आजादी के लिए उठती तरंगों की जिक्र करते हुए बताया कि वे अपने गुरुजी के कक्ष से सीतामढ़ी के किले तक सुरंग खोदकर यूनियन जैक उतारकर भगवत ध्वज फहराने की बात कही। बौद्धिक के बाद पथ संचलन निकाला गया, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर निकला। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक समाराम गरासिया, प्रधान नितिन बंसल, विभाग प्रचारक श्याम सिंह, विभाग कार्यवाह दिनेश कुमार, कार्यक्रम मुख्य शिक्षक पवन जोशी, जिला प्रचारक रघुवीर, सह जिला कार्यवाह लीला राम, विहिप के सह जिला मंत्री लक्ष्मण रावल, खंड प्रचारक जितेंद्र कुमार, नरपत सिंह सोलंकी, कैलाश सिंदल, हेमंत शर्मा, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष भाजपा हीरालाल चौधरी, भुवनेश राज पुरोहित, अशोक सुथार, विपुल रावल, कैलाश प्रजापत, संदीप सैनी, गोवर्धन मोहरेशा, पवन अग्रवाल, भरत प्रजापत, अनिल बैरवा, आकाश दीप रावल, वेला राम, अचला राम, अरविंद सिंह, मांगीलाल चौधरी, सुभाष अग्रवाल, मनमोहन शर्मा, श्रवण अग्रवाल, मोहन लाल, रामेश्वर सोनी सहित बड़ी संख्या में स्वयं सेवक शरीक हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ हुआ स्वागत। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से आयोजित पथ संचलन रविवार को जहां से भी निकला, लोगों ने उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। पथ संचलन को लेकर स्थानीय कस्बे में जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया। रमेश सोनी, भुवनेश राजपुरोहित, सरगरा सेवा संस्थान, शांतिलाल पटेल सहित हिंदू संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। विजय पताकाओं से सजा कस्बा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से रविवार को निकाले गए पथ संचलन को लेकर स्थानीय कस्बे को विजय पताकाओं से सजाया गया। ये अधिकारी रहे मौजूद। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से निकाले पथ संचलन को लेकर पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार, तहसीलदार मादाराम मीणा, डीएसपी जेटू सिंह करनोट, डीएसपी पारस चौधरी, भू अभिलेख निरीक्षक चुन्नीलाल पुरोहित, पटवारी आकाराम बांजरा, संदीप सिंह, पिंडवाड़ा सिरोही कोतवाली, थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, थानाधिकारी चंपाराम, आबूर सदर थानाधिकारी बलभद्र सिंह, स्वरूपगंज थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित, रोहिड़ा थानाधिकारी देवाराम, अनादरा थानाधिकारी गीता सिंह, रेवतर थानाधिकारी कपूरा राम, एसपी कार्यालय एसआई अमर सिंह, एएसआई राजेंद्र सिंह, कैलाश चंद्र सहित आबूर रोहिड़ा सिरोही का अतिरिक्त जाप्ता सहित सिरोही लाइन के जवान तैनात रहे। जागरूक टीवी के लिए स्वरूपगंज से खास रिपोर्ट।